यूपी बुलंदशहर में एनएच 91 पर किसानों के लिए ड्यूटी पर लगाए गए पीएसी के जवानों पर बैरिकेडिंग तोड़कर चढ़ा अनियंत्रित तेज रफ्तार कैंटर। पीएसी 38 बटालियन अलीगढ़ के दो जवानों की हुई मौत, कई घायल। गाजियाबाद के निवासी बताए जा रहे हैं दोनों मृतक। घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे से पुलिस महकमे में छाया मातम। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में 4 नंबर बैरिकेडिंग पर हुआ बड़ा हादसा। संवाददाता कपिल सिंह की रिपोर्ट। सर, ये 4 नंबर कट पर हादसा हुआ है, इसमें कितने पुलिसकर्मी हैं जिनकी मौत हुई है, जो पीएसी के जवान हैं, कैसे ये हादसा हुआ था? यहाँ पर हमारे नागरिक पुलिस और पीएसी के जवान ड्यूटी कर रहे थे और यहाँ पर एक कैंटर और एक ट्रक जो है उसमें टक्कर हुई है। जो उनका यहाँ पर लोग बैठे हुए थे वहाँ पर उछड़ गया है। इसमें 2 पीएसी के जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 2 और घायल हुए थे, जो मामूली रूप से घायल थे उनका प्राथमिक उपचार करके वो अपने ड्यूटी पर आ गए हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें कैंटर चालक है, उसकी कैसी हालत है और जो डंपर चालक है वो कहाँ है? अभी एक ड्राइवर इसमें मिला है जो जिसके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, उसका इलाज हो रहा है। दूसरा ड्राइवर भी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। दूसरा फरार है डंपर चालक? हाँ, अभी तक। तो जो दो जवानों की मौत हुई है, इनके क्या नाम है, कहाँ के हैं और कौन सी बटालियन से? ये प्रवीण कुमार इनका नाम है, ये 38 बटालियन पीएसी अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।